मुझे सिर में दर्द रहता था, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया उसको। घर पे ही गोली खा लेनी कभी कुछ, पर मुझे उससे कोई भी रिलीफ नहीं मिलता था। मुझे घर के कामों में बहुत प्रॉब्लम आती थी, मुझे चक्कर आते थे, मुझे वॉमिटिंग आती थी। उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, किससे बात करने का मन भी नहीं करता था। फिर मैंने बड़े डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने मुझे बताया मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है। हेलो, मेरा नाम रजनी अरोरा है, मेरी उम्र 27 साल है। मुझे सिर में दर्द रहता था, पहले तो नॉर्मली दर्द रहता था, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया उसको। घर पे ही गोली खा लेनी कभी कुछ, कोई दवाई ले लेनी कभी कोई सी मेडिसिन ले लेनी, पर मुझे उससे कोई भी रिलीफ नहीं मिलता था। जितनी देर मेडिसिन का असर रहता था उतनी देर मैं ठीक रहती थी। फिर मैंने कई बार मालिश भी करवाई, मालिश से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे भी प्रॉब्लम और मेरी बढ़ती गई। मुझे घर के कामों में बहुत प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, झुक के मेरे से कोई काम नहीं होता था। ना नेक लेफ्ट कर पाती थी, ना राइट में कर पाती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जो काम झुक के करना, जैसे कि बच्चे को स्टडी करवानी या खुद स्टडी करनी, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। मुझे चक्कर आते थे, मुझे वॉमिटिंग आती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे को होता क्या है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी मुझे, मैं इतनी परेशान हो जाती थी कि मैं बेटे को भी कई बार पीट देती थी कि मुझे परेशान मत कर, तू मुझे बहुत परेशान करता है। उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, किससे बात करने का मन भी नहीं करता था, किसी के पास नहीं बैठना, अकेले रहना कमरे में, कमरा बंद करके, लाइट वगैरह ऑफ करके, लाइट से भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने बड़े डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट, MRI, एक्सरे किए, फिर उन्होंने मुझे बताया मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन वगैरह दी पर मुझे रिलीफ नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने मुझे गले में लगाने वाला बैंड दे दिया, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। हमेशा नेक ऐसे ऊपर रखनी पड़ती थी, लेफ्ट राइट करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी थी इस चीज़ को लेकर। मैं घर पे ही रहती थी, बाहर अंदर आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, किसी के पास भी नहीं जा सकती थी उसको लगा के। पटे की वजह से मैं नीचे झुक भी नहीं पाती थी, झुक के कोई काम भी नहीं हो पाता था, और इतना सिर में दर्द होता था मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे घर में अजीत अखबार आता था रोज़, उसमें मैंने डॉक्टर शारदा की ऐड देखी और मैंने देखा उसमें कितने सारे मरीज ठीक हुए हैं। तो फिर मैं उनके पास गई, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताया कि आपका 8 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगा। फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मुझे मेडिसिन दी, पहले 1 मंथ की मेडिसिन दी और मुझे 15 दिन में ही फ़र्क महसूस हुआ। फिर उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई, क्या खाना है डाइट में, क्या नहीं खाना, वो सब बताया उन्होंने। उनके डाइट के अनुसार मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला है और उससे मैं काफ़ी ठीक हूँ आज आपके सामने। आज मैं डॉक्टर शारदा मैडम का थैंक यू करना चाहती हूँ, उनकी वजह से मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई, मैं आज बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। अगर किसी को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो और ठीक ना हो पा रही हो तो आप डॉक्टर शारदा से संपर्क करें। थैंक यू।